सुप्रीम कोर्ट में कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की रिहाई के हुक्म के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत हुई। जस्टिस मुशीर आलम ने सवाल किया कि कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम तो रिटायर्ड हैं, उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक कैसे होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम को रिहा कर दिया है, लेकिन वो ज़ेरे तफ्तीश हैं। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम को अदालती हुक्म पर रिहा नहीं किया गया। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम पर जिन्होंने संगीन इल्जामात लगाए उन्होंने ही रिहा कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी, सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आईनी तरमीम दरकार होगी। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम से मुतालिक मामले की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई।